global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. Till now, Bollywood ka safar bahut hi amazing raha. Pehli film ki, then abhi as a protagonist. Dusri film meri hai, to kafi acha raha, challenging bhi raha. दोबारा से स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिजीत एंड अरिंदिता फॉर योर अपकमिंग फिल्म बंकर. सो अभिजीत, आपसे बात करें तो कैसा रहा बॉलीवुड का अब तक का सफ़र? बॉलीवुड का अभी तक का सफ़र बहुत अमेजिंग रहा. स्ट्रगल भी रहा एंड सक्सेस भी मिली थोड़ी बहुत. एंड पहले मैंने एक फिल्म की थी, शादी में ज़रूर आना, उसमें एक कैरेक्टर प्ले किया था रंजन का. एंड ये मेरी सेकेंड फिल्म है एज अ प्रोटैगनिस्ट, तो काफ़ी अच्छा सफ़र है, बहुत ही मज़ा आ रहा है अभी तो. अरिंदिता, आपसे बात करें तो बीइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, बहुत कम हीरोइंस हैं जो वहाँ से हैं, और कैसे आपने, हाउ यू मेक इट टू बॉलीवुड, कैसा रहा सफ़र, क्या मुश्किलें आई थोड़ा? एक्टर बनने का सपना तो मेरा बचपन से ही था, बट फिर मैं यहाँ पे गुवाहाटी से मुंबई के बीच में एक पिच स्टॉप है, मैं दिल्ली में मैंने ग्रेजुएशन किया था फैशन डिज़ाइनिंग में. फिर मैंने जॉब किया, तो जॉब करते करते मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि बस हो गया अब जॉब, मतलब जो सपना देखा था उसको एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए. तो मैंने जॉब छोड़ा, फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई. फिर यहाँ आने के बाद मैंने अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स में मैंने कोर्स किया, तो मुझे ट्रेनिंग मिली थोड़ी बहुत, जो शौक था वो ट्रेनिंग मिली, कि मुझे पता चला कि लिटरली मतलब ये आर्ट फॉर्म क्या है, कैसे करते हैं, और तब से फिर चालू है, कुछ कुछ छोटे मोटे काम किया और अभी आपके सामने है बस. ग्रेट ग्रेट. सो अभिजीत, अभिजीत एंड अरिंदिता, दिस क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस रोल, क्या चैलेंजेस थे, क्या मुश्किल थी? सुनने में आए 5 दिन में फिल्म बनके कंप्लीट हुई है, इट्स वेरी यूनिक. आज तक मुझे नहीं लगता कभी इंडिया में या कहीं भी ऐसा हुआ हो कि 5 दिन में बन के और फिल्म पूरी आपने कंप्लीट कर दी. अच्छा, फुल लेंथ फीचर फिल्म, राइट? जी जी. सो तो कुछ बताइए इसके बारे में, क्या इंटरेस्टिंग था और कैसी प्रिपरेशन करी दोनों से आपसे समझ? एक्चुअली ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है शायद हमारी 5 दिन में फिल्म शूट होना. तो प्रिपरेशन इसकी ऐसी कि बाकी प्रोडक्शन का तो नहीं, मैं अपने कैरेक्टर वाइज बताता हूँ कि ये कैरेक्टर है फिल्म में लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह, जो कि मैं प्ले कर रहा हूँ, और ये 12x8 के बंकर में इसकी पोस्टिंग है, जो कि पुंछ में लोकेटेड है. अब सीज फायर वॉयलेशन होता रहता है, तो उस टाइम पे एक मोटार शेल का अटैक होता है उस बंकर पे, जिसकी वजह से विक्रम गेट्स इंजर्ड, तो उसके लेग में फ्रैक्चर हो जाता है एंड उसकी आंखें चली जाती हैं, तो ही कांट सी. तो नेक्स्ट 90 मिनट्स फिल्म में ये दिखाया गया है कि किस तरह वो उस बंकर को अपने कंट्रोल से ना जाने देता है, और साथ ही साथ उसके मेंटल ट्रॉमास क्या होते हैं, इस पर फिल्म है. तो इस पर स्ट्रगल ये था सबसे बड़ा कि पहली बात तो बंकर 12x8 फिट का था, तो पूरे 5 दिन हमें, मोस्टली 4.5 दिन एक सीन बाहर का है, कॉन्टिन्यूसली 18 to 16 आवर्स हम शूट करते थे उसी बंकर के अंदर. वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था. और मेरी आंखें भी, अगर मैं सुबह सेट पे आता था तो तुरंत मेरी आंखों में प्रोस्थेटिक मेकअप्स हो जाता था, जो कि रात, आई मीन 18 घंटे या 16 घंटे जो भी शूट है उसके बाद ही निकलता था, तो वो एक और चैलेंज था. प्लस मौसम का भी काफ़ी कुछ अड़चने आई थी, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हम लोग को मिले फिल्म में, बट अच्छा हो गया, सब पूरा हो गया. तो How did you prepare for this role? Okay. तो मैंने अपने दो दोस्तों से बात किया था, मेरे दो दोस्त हैं जो जिनके हस्बैंड्स आर्मी में पोस्टेड है, तो आफ्टर स्पीकिंग टू देम मुझे हेल्प मिला थोड़ा सा समझने के लिए कि क्या गुजरता है, मतलब उनके लाइफ कैसे चलती है, क्योंकि हस्बैंड से मिल नहीं, मतलब पता नहीं है ना, अनप्रेडिक्टेबल है कि कब आएंगे, 6 months, 8 months, कभी 1 year, 1.5 साल ऐसा हो जाता है, तो तब वो लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि उनके फैमिली भी है, बच्चे भी है, इन लॉज भी है, जॉब भी है, बट तब भी वो दिखा नहीं सकती. तो ये वाली चीज़ उनसे मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद मुझे फील हुआ कि कैसे मैं करूँगी इस फिल्म के लिए, वो मेरा प्रिपरेशन था.
and how difficult it is to play Swara Singh, and how Swara Singh is different from Arindita in real life? Okay. So it was difficult because this is my first film, and the character is really strong, and she is a very independent woman, Swara Singh. I'm talking about Swara Singh, and तो वो मैं भी हूँ इतनी strong, मतलब being Arindita, I'm telling, but Swara Singh is more strong, I believe. जो character मैंने play किया है, मैं शायद थोड़ी emotional हूँ real life में, but जो मैंने play किया है इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा difficult था. जब वो पोर्ट्रे करना होता है वो सीन एक था है सीन जो अभी मैं रिवील नहीं कर सकती तो आपको देखना पड़ेगा फिल्म उसके लिए बट या वो था लिटिल डिफरेंट. अभिजीत आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या किसी तरह का ड्रीम रोल कि ये ड्रीम रोल है ये करना है इस एक्टर के साथ काम करना है? कई लोगों का होता है जब नए नए आप एक्टर आते हो बच्चन साहब के साथ रहता है सलमान सर के साथ रहता है किसके साथ काम करना है कुछ ऐसा किसी एक्टर के साथ काम करना है या कुछ ऐसा ड्रीम रोल दैट यू वांट टू डू सम इंटेंस काइंड ऑफ रोल? एक्चुअली मुझे सबके साथ काम करने का मैंने जितने भी लोग हैं सबके साथ बट मेरा जो मेन एम है वो अच्छी फिल्म्स करना है. रोल डजंट मैटर, अगर फिल्म अच्छी है तो मैं कोई भी रोल करने को रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर मुझे स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगती है तो लीड भी हो तो मुझे करने का मन नहीं करेगा. तो इट्स ऑल अबाउट स्क्रिप्ट एंड फिल्म. फिल्म अच्छी है तो आई विल बी डूइंग एनीथिंग. जैसे आपने बोला स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, आजकल हम देख रहे हैं अमूमन अभी नॉर्मली इस एरा में कुछ दो चार सालों में बदलाव हुआ है कि कंटेंट ड्रिवन सिनेमा लोग पसंद कर रहे हैं. बिल्कुल, ठीक है. तो उसमें राजकुमार राव जिनके साथ आपने पहले भी काम किया तो उसमें उन्होंने महारत हासिल किया. राजकुमार राव हो गए, आयुष्मान खुराना हो गए, वो पहले की तरह नहीं है कि लोग देखते हैं कि हीरो मतलब लंबा चौड़ा ऐसा है. तो आजकल हीरो टकला भी हो रहा है, रिसेंट एग्जाम्पल बाला. तो आपको क्या कहना है इस बारे में कि कंटेंट ड्रिवन सिनेमा कहाँ तक जाएगा और कितना हेल्पफुल है एक्चुअली? शुरू से ही कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है बट अभी मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस चेंज हो रही है. फिल्म पहले भी बहुत बनती थी कंटेंट वाली बट अभी ऑडियंस चेंज हो रही है. ऑडियंस को अब कंटेंट ड्रिवन फिल्म ज़्यादा अच्छी लग रही है इन कंपैरिजन टू मसाला फिल्म्स एंड कमर्शियल फिल्म्स. तो ये बहुत ही मुझे लगता है बड़ा इम्प्रूवमेंट है पिछले 7-8 सालों से जो कि चेंज है, सॉरी इम्प्रूवमेंट नहीं चेंज है जो कि हो रहा है. एंड मुझे लगता है ये अभी बहुत आगे जाने वाला है. अभी फिल्म इंडस्ट्री अपनी बहुत ही आगे जाने वाली है इस चीज़ को लेके. सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये चेंज आ रहा है एंड आगे बहुत आगे जाएगा. कमिंग बैक टू अरिंदिता, आपकी नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या फिल्म या कुछ आप कर रहे हो कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी बातें चल रही है, इट्स इन प्रोसेस, बट जब तक फाइनल ना हो तो मैं बोल नहीं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी. ओके, कोई अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है इंडिया में CAA और ये ओके बर्निंग इशू है. ओके ओके, ये एक्चुअली था नहीं लेकिन मैंने सोचा ही थोड़ा सा उनकी राय ले लूं. दैट नहीं बट वी आर लाइक ऑलरेडी करंटली दैट देयर इज वन मोर थिंग डायरेक्टर टू हिम नहीं डायरेक्टली नहीं बट आई वांट टू आस्क सिक्स क्वेश्चन दिस वन. हां बिकॉज़ ओके या अभिजीत, हमने सुनने में आया कि जो भी इसका प्रॉफिट होगा मूवी का दैट इज यू आर गिविंग टू AWWA व्हिच इज आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन एंड भारत के वीर. सो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू टेक दिस डिसीजन? एक्चुअली मैं अकेले, मेरा डिसीजन नहीं है, ये हमारी पूरी टीम का डिसीजन है. बिकॉज हमारी फिल्म आर्मी पे है एंड हमने ये जनता के लिए फिल्म बनाई है, एक सोल्जर का सॉफ्ट वर्जन दिखाने के लिए एंड जो उनके स्ट्रगल्स हैं वो दिखाने के लिए. सो हमारी पूरी टीम ने ये डिसाइड किया कि हमारी फिल्म का 100% प्रॉफिट जो है वो हम आर्मी वेलफेयर, वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन एंड भारत के वीर को डोनेट करेंगे. एंड इसमें पूरी टीम बहुत ही ज़्यादा खुश एंड एक्साइटेड हो गई थी. प्लस हमारे फाइनेंसर्स एंड प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी इस चीज़ को बहुत ही खुशी मान गए. सो ये ऐसे डिसीजन हुआ, ये किसी एक आदमी का डिसीजन नहीं था. कोई मूवी में कोई ऐसा एक पल अरिंदिता, दिस इज फॉर यू एज वेल, जो आपको लगा कि मतलब बहुत मेमोरेबल पॉइंट है और वो अभी भी आपके जहन में ताज़ा हो, जब आप बंकर याद करें तो आपको वही मोमेंट याद आए, वो आप दोनों के लिए? जी मेरे लिए एक सीन था जिसमें आई हैड टू चूज बिटवीन माय इमोशन एंड माय ड्यूटी, तो उसमें मुझे अपना ड्यूटी चूज करना पड़ा. तो दैट सीन इज रियली वेरी स्पेशल एंड मेमोरेबल फॉर मी, तो वो मैं अभी बोल नहीं पाऊंगी सीन क्या है बट क्या. मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था कि एक सीन था जिसमें मुझे कुछ एक
फायर करना है कुछ स्क्रीम करके एंड उसके बाद बेहोश हो जाना है. एंड रियलिटी में वो सीन करते समय पे वो बेहोश जहाँ पे हो रहा था मैं रियल में बेहोश हो गया था. तो वो एक मोमेंट बहुत ही यादगार रहेगा और वो फिल्म में भी है, तो जब आप देखेंगे तो वो सीन दिखेगा, वो रियल सीन है. अभिजीत, कितना मुश्किल होता है कैरेक्टर में घुसने के बाद उससे निकलना, मतलब हाउ यू स्ट्रेटेजाइज दैट वे, लाइक आप एक रोल कर रहे हैं, आप उसके अंदर सुबह आप तैयार हुए, आपने अपनी वर्दी पहनी, तो एक अलग ही आप जोन में चले जाते हैं, तो कितना मुश्किल होता है उस रोल से निकलना और क्या मतलब क्या माइंडसेट होता है, थोड़ा बताइए. जी, ये डिपेंड करता है कि कैरेक्टर कैसा था. तो अभी ये जो विक्रम सिंह का कैरेक्टर है ये ऐसा कैरेक्टर था कि इसको अंदर से फील करने की, एक्चुअली विक्रम को अपने अंदर या मुझे विक्रम के अंदर घुस जाने के लिए बहुत ज़रूरी था. तो मैं अभी 5 दिन के लिए विक्रम, एक्चुअली 5 नहीं 2 महीने से ही मैं विक्रम हो गया था और 5 दिन हमने बस शूट किया था. तो उसके बाद मुझे 10 दिन लगे उस कैरेक्टर से बाहर निकलने में, बिकॉज वो इतना ज़्यादा मेरे अंदर बस गया था रोज़ 18-18 घंटे शूट करने की वजह से कि मैं 10 दिन डिप्रेशन में रहा. एंड 10 दिन डिप्रेशन धीमे धीमे डे बाई डे करते करते मैं उससे बाहर आ पाया. तो ये चैलेंज बहुत बड़ा था. लास्टली मैसेज टू योर फैंस, बोथ ऑफ यू, लाइक कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे. जी बिल्कुल, ऑडियंस से हम ये कहना चाहेंगे कि ये फिल्म जो हमारी बंकर है ये एक सोल्जर का सॉफ्टर वर्जन दिखा रही है, क्योंकि अभी तक आपने वो नहीं दिखाया, अभी आपने सोल्जर को का एक हार्ड वर्जन देखा है जो कि बैटल फील्ड में होता है. इस फिल्म को ज़रूर देखिए जो कि 17 जनवरी 2020 को ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है, और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए. हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि ये एक सोल्जर के ऊपर है स्टोरी, बट हियर वी आर नॉट प्रमोटिंग वॉर बट वी आर प्रमोटिंग पीस. सो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, 17 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, तो प्लीज़ कम एंड वॉच. थैंक यू. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.